रॉबिन हुड सुपर कॉप के नाम से मशहूर आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे जब तिरुत रेंज के आईजी बने हैं उसके बाद से लगातार एक्शन में है। सबसे पहले उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद वैशाली का निरीक्षण किया, जिसके बाद वे अब सीतामढ़ी पहुंच गए हैं। सीतामढ़ी में यह समरणालय का दृश्य है, जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है, कांडों की समीक्षा की है, अपराध के पैटर्न की जानकारी ली है। साथ ही उन्होंने जिले के तमाम जो डीएसपी है सभी को बुलाया है, उसके साथ उन्होंने बैठक की है। बैठक में क्या निर्देश दिए गए हैं इस सब संबंध में हम उनसे बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले उन्हें पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो रॉबिन हुड सुपर कॉप के नाम से मशहूर आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे सीतामढ़ी पहुंचे, यहाँ उन्होंने तमाम डीएसपी पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की और अपराध के पैटर्नों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने सभी विषयों पर अपनी बारीकी से समीक्षा करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले उसे सुनिए। मेरे ज्यूरिडिक्शन में सीतामढ़ी जिला आता है, उसका आज रिव्यू करने आया था। और एसपी सीतामढ़ी मनोज से इस बारे में डिटेल में बात हुई, सारा कुछ रिव्यू किया। तो जो प्राइमरी फोकस दिख रहा है वो लूट से संबंध में, लूट की जो भी घटनाएं हुई सारे डिटेक्टेड है। तो एक पैटर्न यहाँ पे है कि जो रोड के लूट का एक पैटर्न दिख रहा है, और लूट का जो बेसिक एक रीज़न दिख रहा है वो जो है कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स वगैरह का। यहाँ पे ड्रग्स मीन्स कोरेक्स, बाद में स्मैक वगैरह, इसके लाल जो लत पड़ जाती है लड़कों को, तो वो छोटी छोटी घटनाएं कर देते रास्ते में। हालांकि वो घटनाएं छोटी भी होती है, कोई मोबाइल भी छीन लेता है, लेकिन वो लूट के इसमें यहाँ पे दर्ज होती है, इसलिए जो लूट की संख्या है उस संख्या में इजाफा दिखता है। लेकिन सारे केसेस यहाँ पे डिटेक्ट हो चुके हैं, एक अच्छी बात है। दूसरी बात, हत्याओं का जो एक ट्रेंड दिख रहा है वो जनरली जो ओवरऑल बिहार में ट्रेंड है वही है, लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड या पर्सनल एनिमिटी को रिलेटेड हत्याएं का यहाँ भी वही ट्रेंड एक दिख रहा है। तीसरी बात है जो एक मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि मैं अररिया में भी एसपी था, तब एक डकैत का गिरोह डिटेक्ट हुआ था, डकैत हुई थी अररिया में। तो पूरा जो बॉर्डरिंग एरिया है वहाँ से लेके मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, हर जगह डकैती किया था। तो वो एक डकैती का एक जो 20-25 लोगों का ग्रुप है, उस बारे में डिस्कशन हुआ। वो दो ग्रुप है, वो एक्टिव हमेशा होते हैं विंटर के सीजन में, जैसा भी कुहासा पड़ जाएगा तो डकैती का सिलसिला बढ़ेगा, और स्पेशली बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में। तो उस बारे में भी अलर्ट है, और स्पेशल उसके लिए गश्ती का भी बुलाया गया, और जो आसूचना संकलन है उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। और उसके जो मेंबर्स है गिरोह के, तो दिक्कत ये है कि बहुत सारे वहाँ नेपाली सिटीजन्स है, तो क्राइम करने के बाद वहाँ जाते हैं, तो नेपाली सिटीजन्स को लाने में भी यहाँ दिक्कतें हैं। तो उस संबंध में जो भी अरेस्टिंग यहाँ के जो सिटीजन्स है, जो क्रिमिनल्स है, उनका भी स्टेटस बोला गया है कि कोर्ट में जाके और जो जेल में वहाँ पे स्थानांतरित है या ये जेल में। जो मेरे लिए, मुझे जो लगता है कि पुलिस महानिरीक्षक के तौर पे जो मेरे लिए लगता है कि एक ऑर्गेनाइज टाइप से यहाँ पे देखना चाहिए क्राइम के परस्पेक्टिव, वो है विकास झा का जो ग्रुप है, जो एक्सटॉर्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करता है, तो उस पर स्पेशली मॉनिटरिंग के लिए मैंने पर्सनली बोला है कि विशाल जो है, विशाल और उससे संबंधित एसोसिएट जो कि अभी बाहर में, हाँ, तो उनकी अरेस्टिंग के लिए बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न किया जाए। अभी जो जेल से निकला है और बैंक रॉबरी में भी था इंदल महतो, इंदल महतो के बारे में भी बोला है कि फोकस किया जाए। तो मुझे लगता है कि सीतामढ़ी पुलिस अपने आप में सक्षम है इन सारे टारगेट को अचीव करने में, इन सबकी अरेस्ट गिरफ्तारी करने में। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि इनका लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है जब से ये आए यहाँ पे, और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। आपके कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। ड्रग्स एडिक्टेड लड़कों द्वारा जो क्राइम किया जाता है, तो इस संबंध में सीतामढ़ी पहुंचने पर आईपीएस अधिकारी तिरहुत रेंज के आईजी शिवदीप लांडे क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। उन्होंने बताया कि अपराधियों को पकड़ने के लिए बिहार पुलिस सक्षम है, और खासकर उन्होंने सीतामढ़ी एसपी की तारीफ करते हुए कहा कि सीतामढ़ी पुलिस के द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है, और जो वांटेड अपराधी है जो नेपाल में अपना जगह बनाए हुए हैं, उन सभी की धरपकड़ को लेकर भी अलग से टीम बनाई जाएगी और उन सभी को भी गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ड्रग्स कर जो अपराध की घटना को अंजाम देते हैं, इस संबंध में भी जानकारी उन्होंने दी है।